जय हिंद दोस्तों। दोस्तों हम लोग इतिहास से क्वेश्चन करना शुरू किए थे, और जो कि सभी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो हम लोग ने पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चन कर चुके थे, और दोस्तों आगे आप क्वेश्चन करते हैं। हाँ वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? वैशाली थी। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन हम लोग अभी कर रहे हैं एंशियंट का, उसके बाद करेंगे मेडिवल, फिर मॉडर्न का करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजगिरी एस महाजनपद की प्रथम राजधानी थी, वो थी मगध की दोस्तों थी। आई क्वेश्चन है कि डैश प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया जाता था, वो मगध है दोस्तों। आई क्वेश्चन है भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में डैश महाशक्तियाँ अस्तित्व में थी, तो 16 महाजनपद थी दोस्तों। आई क्वेश्चन ने प्राचीन चंपा शहर को डैश महाजनपद की राजधानी माना जाता है, तो अंग को माना जाता है दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन SSC के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सब दोस्तों। मौर्य वंश ने डैश राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था, वो नंद राजवंश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंबिसार डैश वंश के राजा थे, तो वो थे हर्यक वंश के। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति डैश के दरबार में की गई थी, वो बिंबिसार के दरबार में किया गया था। आई क्वेश्चन है हर्यक वंश ए प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति, ये तो हो ही गया दोस्तों। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? बिंबिसार थे। नंद वंश का अंतिम शासक था दोस्तों, वो घानंद था। हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का था। नेक्स्ट क्वेश्चन राजा अजात शत्रु डैश वंश का शासक था, वो हर्यक वंश के थे। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को डैश स्थानांतरित कर दिया गया था, तो पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया था। आई क्वेश्चन बिंबिसार ने डैश राजवंश के राजा के उपचार के लिए राजवैद्य जीवक को भेजा था, तो अवंती को भेजा था दोस्तों। आई क्वेश्चन मगध सम्राट डैश ने अंग को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया था, तो बिंबिसार को बनाया था। चलिए अब आगे क्वेश्चन है दोस्तों, वो किससे है? वो है दोस्तों धार्मिक आंदोलन से है, धार्मिक आंदोलन से दोस्तों। अब ये है जैन धर्म पहला है। चलिए जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है दोस्तों, वो अहिंसा है दोस्तों। आगे क्वेश्चन श्वेतांबर और दिगंबर धर्म के है क्या है? जैन मत है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है थे दोस्तों, वो पार्श्वनाथ थे। गच्छा नामक संगठन सम्मिलित है दोस्तों, वो जैन धर्म है दोस्तों। 24वें तीर्थंकर जो है जैन तीर्थंकर, यहाँ अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो वह है दोस्तों महावीर स्वामी। पहले जैन तीर्थंकर थे तो वो ऋषभ देव थे। 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी का नसिया मंदिर डैश को समर्पित है, वह भगवान ऋषभ देव को है। आगे क्वेश्चन जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण करवाया था, तो राजा नंदी वर्मन ने करवाया था दोस्तों। चलिए आगे देखते क्वेश्चन, जैन धर्म के तीर्थंकर डैश को कहते हैं, तो धर्म के रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे डैश रूप में जाना जाता है, तो इसे दोस्तों निर्वाण के रूप में जाना जाता है। डैश आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है, तो सूत्र का तांग सूत्र का वर्णन करता है दोस्तों। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है ऋषभ नाथ को माना जाता है। वर्तमान महावीर जैन धर्म के डैश तीर्थंकर थे, वो थे दोस्तों 24वें थे। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर थे, तो वो थे दोस्तों ऋषभ नाथ। आए क्वेश्चन जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है, डैश का अर्थ गैर अभिग्रहण है, तो वह है अपरिग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डैश को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को अपने उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया, तो वो महावीर को माना जाता है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन है स्वामी महावीर का जन्म हुआ था, वो कुंडल ग्राम में हुआ था दोस्तों। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था
उसी रूप में वे वर्तमान में डैश स्थान पर उपलब्ध है, तो गुजरात में वल्लभी के नाम से जो है उपलब्ध है। आगे क्वेश्चन है, जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो तो उसे विजेता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालिताना मंदिर डैश राज्य में है, तो वह दोस्तों गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिगंबर संप्रदाय डैश से संबंधित है, वह जैन धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म हुआ, वो वैशाली में हुआ दोस्तों। आगे क्वेश्चन, भगवान महावीर का मूल नाम है वो वर्धमान है दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, जैन मठ संस्थाओं को कहा जाता है तो उसे बसादीस कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, महावीर डैश तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं, तो वो माने जाते हैं दोस्तों 24वें तीर्थंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृपासनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह डैश जैन तीर्थंकर बना, तो 23वां बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द श्वेतांबर डैश जुड़ा हुआ है, वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ दोस्तों। आगे क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक थे तो ऋषभ देव थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन कल्प सूत्र की रचना की थी तो भद्रबाहु ने किया था। आगे क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पाल काल में एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था, वो था दोस्तों विक्रमशिला। आगे क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण आचार्य थे, वो थे विरोचन, अतीश, दीपांकर तथा रत्नाकर शांति थे। आगे क्वेश्चन, तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन कराया जॉन मार्शल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का प्रथम अनुयायी बना, वो जामाली बना था। आगे क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान ये किस धर्म की महिमा है, वो जैन धर्म के दोस्तों। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे तो मखमली गोसाल थे। प्रारंभिक जैन साहित्य में लिखा गया था तो अर्ध मगधी भाषा में लिखा गया था दोस्तों। यापनीय एक संप्रदाय था तो जैन धर्म का दोस्तों था सब। आगे क्वेश्चन, तीर्थंकर शब्द सम्मिलित है तो जैन से है। जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ तो पाटलिपुत्र। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, प्रभासगिरी तीर्थ स्थल है वो जैनों का दोस्तों है। आगे क्वेश्चन है कि धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता वो है दोस्तों जैन धर्म। जैनियों की पवित्र पुस्तकें कहलाती है अगम सिद्धांत। आगे क्वेश्चन, दर्शन जिसने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया वह चार्वाक है दोस्तों। आगे क्वेश्चन, जैनों के अंतिम तीर्थंकर कौन थे तो वर्धमान महावीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था तो वो हुआ था दोस्तों पावापुरी में। आगे क्वेश्चन है, जय डैश ज्ञात्रक क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र थे वह वर्धमान महावीर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए थे तो जैन दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो का, व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है वो जैन समुदाय दोस्तों मनाता है।